Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Hi guys and welcome back to my channel. तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे. तो आज की रेमेडी है highly requested कि हम क्रिस्टल क्लियर स्किन कैसे पा सकते हैं. और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ चुकी है गर्मियों में और आपकी स्किन पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है तो आपकी स्किन को बनाएगा ग्लोइंग ब्राइट एंड स्पॉटलेस. तो फ्रेंड चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें लेना है एक साफ बाउल जिसमें हमें ये रेमेडी बनानी है. सबसे पहला हमारा इन्ग्रीडियंट है फ्रेंड दही. दही में फ्रेंड लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारे चेहरे को बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप करता है, फेयर करता है, स्किन को स्पॉटलेस बनाता है, क्रिस्टल क्लियर बनाता है. मतलब आपकी स्किन पे किसी तरीके के दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं या डार्क स्पॉट्स हैं उसे दूर करता है और चेहरे को नेचुरली ये ब्राइटन अप भी करता है. तो फ्रेंड हम यहाँ पर डालेंगे एक चम्मच भर के ही दही. फ्रेंड जो हमारा दूसरा इन्ग्रीडियंट है वो है मसूर की दाल का पाउडर, जो कि लाल मसूर की दाल होती है. उसको मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है. आप चाहे तो इसे पीसने के बाद छान भी सकते हैं अगर आपको बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए, पर यहाँ पे मैंने इसे छाना नहीं है. तो आपको इस तरीके का ऐसा पाउडर मिल जाएगा. लाल मसूर की दाल हमारे चेहरे से बहुत ज़्यादा अगर झाइयाँ हैं, डार्क स्पॉट्स, पिंपल के मार्क्स से उसे रिमूव करता है. और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ चुकी है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को निकालता है और चेहरे को नेचुरली पॉलिश भी करता है. और ये हमारी रंगत को दुगना तिगुना करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिंस और प्रोटीन होता है जो कि चेहरे के रंग को निखारने के लिए बहुत ही अच्छा होता है. हमारे घर में फ्रेंड ये मसूर की दाल तो होती ही है और ईजिली अवेलेबल हो जाती है, किसी भी आपको ग्रॉसरी स्टोर पर मिल जाएगी. तो यहाँ पे मैंने जो एक चम्मच दही डाली थी ना, अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा मसूर की दाल का पाउडर. लगभग एक चम्मच भर के मैं इसमें डालूँगी मसूर की दाल का पाउडर. और फ्रेंड जो हमारा सेकंड इन्ग्रीडियंट है वो है शुगर पाउडर, यानी कि बुरादा, चीनी का बुरा हम बोलते हैं. यहाँ पे मैंने चीनी को है बिल्कुल फाइन पाउडर में पीस लिया है, आप देख सकते हैं. फ्रेंड अगर मैं बात करूँ चीनी की तो चीनी में होता है ग्लाइकोलिक एसिड जो कि चेहरे से डेड स्किन को हटाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. इसमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करने की क्षमता होती है और ये भी हमारे चेहरे को पॉलिश करने के काम आता है. हमारे सबके घर में फ्रेंड शक्कर तो चीनी तो होती ही है. आप इसे अच्छे से पीस लें. इसमें होता है ग्लाइकोलिक एसिड जो कि आपको बड़े से बड़े महंगे के ब्रांड्स के जो सीरम्स होते हैं या क्रीम्स होती है उसमें ज़रूर होता है क्योंकि नेचुरल हमारी स्किन को ये पील ऑफ भी करता है, डेड स्किन को निकालता है और चेहरे को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड क्लम्पी बनाता है. तो यहाँ पे हम डालेंगे इसी में ही, इसी जो हमने बनाया था दही और जो हमने इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी लगभग एक चम्मच भर के ये शुगर पाउडर. आपके घर में चीनी है तो आप उसे पी सकते हैं, वैसे मार्केट में ये बहुत ईजिली मिल जाता है. एक चम्मच भर के मैं इसमें डालूंगी शुगर पाउडर. और फ्रेंड जो हमारा मसूर दाल पाउडर है और शुगर पाउडर है ये दोनों ही हमारी स्किन को वाइटन, ब्राइटन एंड लाइटन तो करती है बट ये हमारी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट भी देती है क्योंकि दोनों में स्किन टाइटनिंग, ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि चेहरे के रंग को निखारने के साथ साथ स्किन को ब्राइटन एंड वाइटन भी करती है. हमारा लास्ट इन्ग्रीडियंट है वो है हनी. हनी अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइंस यानी कि बारीक बारीक लाइंस आना स्टार्ट हो गई है, आपकी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो ये आपकी स्किन से फाइन लाइंस यानी झुर्रियों को, रिंकल्स को दूर करता है और स्किन को टाइटन ब्राइटन भी करता है. अगर आप इसे अपने फेस पे रेगुलर लगाएंगे सिर्फ हनी को तो ये आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है. बट मेक श्योर आप जो भी हनी लेना, शहद ले, वो अच्छी ही क्वालिटी का हो, रो हो, अनफिल्टर्ड हो और बिल्कुल प्योर हो. ये वाला जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये बिल्कुल प्योर है और इसमें किसी तरीके के केमिकल नहीं है. आपके पास जो भी हो पर अच्छी क्वालिटी का आप उस हनी को लें. अब हमें कितना डालना है यहाँ पे बात आती है, हनी हम कितना डालें. फ्रेंड हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हनी. अब हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे. ये आपके चेहरे पे एक ही बारी में पार्लर के फेशियल से जैसा निखार देगा क्योंकि मसूर दाल खुद ही अपने आप में एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है. दही नेचुरली हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, टाइट करती है और जो हमारा शुगर पाउडर है वो भी हमारी स्किन को ब्राइटन, वाइटन एंड लाइटन करता है. स्किन की डेड स्किन को रिमूव करने के साथ साथ स्किन को ब्लैक, वाइट एंड ब्राइटन भी करता है. चलिए अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं जिससे कि सारी चीज़ अच्छे से घुल जाए.
तो फ्रेंड मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए यानी कि 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि जितना भी शुगर पाउडर है और जो मसूर की दाल है वो अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए इसके हम 10 से 15 मिनट बाद हम इसे लगाएंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको बताती हूँ कि इसकी एप्लीकेशन आपको कैसे करनी है फेस पे। तो फ्रेंड इस फेस पैक को लगाने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश कर लें और इसके बाद आप इस अपने चेहरे पे लगाएं। आपके चेहरे पे या हाथों पे या पैरों पे या कहीं पे भी सन टैन है, कालापन है या स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ चुकी है तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन, क्लियर, स्पॉटलेस एंड ब्राइटन करेगा। यहाँ पर मैं अपने चेहरे पर इसे मोटा मोटा लगा रही हूँ। ये आपके चेहरे से जितनी भी झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, सन टैन है, कालापन है, पिगमेंटेशन है, उसे दूर करता है, चेहरे के रंग को निखारता है और ये हमारे चेहरे के रंगत को दुगनी करता है और एक नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है। तो इसी तरीके से आपको अपने इसे फेस पे लगाना है। तो देखिए मैंने इसे अपने फेस पे लगा लिया है और ये सूख भी चुका है। ये 10 से 15 मिनट में ईजिली सूख जाता है। और अब आपको क्या करना है, आपको लेना है एलोवेरा जेल। आपके पास अगर फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल ले सकते हैं, मार्केट वाला है तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, हल्के से फेस पैक को गीला करना है और ऊपर की तरफ अपनी स्किन को उठाते हुए आपको मसाज करनी है। यह आपकी स्किन को ब्राइटन तो करता ही है, आपकी स्किन को टाइट भी करता है। तो इस तरीके का आपको बहुत ही हल्के हाथों से अपने फेस पे जेंटली मसाज करनी है। ये फेस पैक आपके चेहरे से रिंकल्स की प्रॉब्लम को दूर करता है, झुर्रियों की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो चलिए फ्रेंड 10 मिनट हो चुके हैं, इसे अच्छे से मैंने मसाज किया था और अपने फेस को किसी कॉटन के कपड़े से या टॉवल से हल्का सा गीला करें और अच्छे से वाइप कर दें, पोंछ दें। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसे वॉश कर सकते हैं नॉर्मल पानी से। तो चलिए फ्रेंड मैंने अपने फेस को पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना, हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं लगा रही हूँ एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप अपने घर पे अगर प्लांट है तो उसे तोड़ें और डायरेक्ट अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाएं। एलोवेरा जेल भी हमारी स्किन को ब्राइटन टाइटन करता है और स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करता है और नेचुरल सनस्क्रीन और एंटी एजिंग का भी काम करता है। सो आई होप मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड ये थी मेरी आज की रेमेडी कि हम घर पे ही पार्लर के फेशियल और ब्लीच जैसा निखार कैसे पा सकते हैं। सो आई होप मेरी आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी। आप इसे 7 डेज लगाना और आपकी स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, आपकी स्किन पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टैंड है, आपकी स्किन पे झाइयाँ झुर्रियों की प्रॉब्लम है, स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो गई है, स्किन पे बिल्कुल निखार नहीं है, तो आपकी स्किन को ये ब्राइटन करने के साथ साथ डार्क स्पॉट्स को भी दूर करेगा और फेशियल जैसा निखार देगा आपको। आई होप मेरी आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को भर भर के लाइक करना। और हाँ, मैं शुरू करने वाली हूँ अपना हेयर केयर रूटीन, तो आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मुझे करेंगे तो मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, 7 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करना है ना आपको, तो मुझे ज़रूर बताना कि कौन कौन इसे लगाने वाला है 7 डेज तक, और अपने वैल्यूएबल कमेंट मेरे साथ जरूर शेयर करना। सो मैं आपसे मिलती हूँ फ्रेंड ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ। टिल देन फ्रेंड बाय बाय एंड स्टे हेल्दी फ्रेंड, स्टे ब्यूटीफुल फ्रेंड। बाय बाय।